नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, आज के समाचार के प्रस्तुत करता है। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार। कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569। चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अब खबरें विस्तार से। पहाड़ पर नई राजनीतिक पार्टी का आगाज। अनित थापा की अगुवाई में बना भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा। आखिरकार गुरुवार को पहाड़ पर एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ। गोजामुमो विनय तामांग खेमे से इस्तीफे के बाद अनित थापा की अगुवाई में आज पहाड़ पर भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा BJPM नाम की नई पार्टी का जन्म हुआ। गौरतलब है कि विनय तामांग गुट के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से इस्तीफे के बाद अनित थापा द्वारा पहाड़ पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन शुरुआत में खुद अनित थापा ने इस तरह के तमाम अटकलों को खारिज कर दिया था। लेकिन पिछले महीने मीडिया के सामने खुद अनित थापा ने कहा था कि सितंबर के पहले हफ्ते में पहाड़ों में एक नया राजनीतिक समीकरण का आगाज होगा। उसी के अनुरूप दार्जिलिंग में जिमखाना में अनित थापा के प्रशंसकों के साथ गुरुवार को पहाड़ पर एक नए राजनीतिक दल की घोषणा की गई। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा नाम की नई राजनीतिक पार्टी का आज पहाड़ पर उदय हुआ। इस अवसर पर भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के ध्वज का भी अनावरण किया गया। अनित थापा खुद पार्टी के अध्यक्ष है। हालांकि यह देखना बाकी है कि पहाड़ की राजनीति में इस नई पार्टी का कितना असर दिखेगा। सिक्किम कृषि विभाग के अधिकारियों ने फुलबाड़ी लैंड पोर्ट का किया दौरा। सिक्किम कृषि विभाग के अधिकारियों ने बांग्लादेश को खाद्य उत्पादों के निर्यात के उद्देश्य से फुलबाड़ी लैंड पोर्ट का दौरा किया। गुरुवार को सिक्किम के कृषि विभाग के अतिरिक्त निर्देशक नोडल अधिकारियों ने फुलबाड़ी लैंड पोर्ट का दौरा किया। इस दौरान सिक्किम के कृषि विभाग के नोडल अधिकारी जगदीश प्रकाश प्रधान ने कहा कि सिक्किम में जैविक रूप से उगाए गए संतरे, बड़ी इलायची और अदरक सहित कुछ उत्पादों को बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए इच्छुक है। बांग्लादेश में इन खाद्य उत्पादों की बहुत मांग है, इसलिए फुलबाड़ी लैंड पोर्ट की एक्सपोर्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर से रूबरू होने के लिए वे यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी लेने के बाद वे सिक्किम के किसानों और निर्यातों को इस बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मूलतः फुलबाड़ी सीमा के माध्यम से खाद्य सामग्रियों के निर्यात के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को जानने के लिए वे आज यहां पहुंचे। हम सिक्किम से आए हैं, हम सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स लोग हैं सब। तो हमारा मकसद है, अभी इंडिया गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में इनक्रेज कर रहे हैं, तो सिक्किम में ऑर्गेनिक स्टेट है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो बांग्लादेश की तरफ एक्सपोर्ट हो। जैसे हमारे संतरा है, इलायची है ना, बड़ा इलायची है आपको मालूम है, अदरक है और फापर है, बोलते कुट्टू का आटा बोलता है, आपको मालूम भी होगा जो बकव्हीट बोलते हैं हम लोग, जैसे वो डिमांड है बांग्लादेश में। तो यही कारण हम देखने आया कि बॉर्डर का ट्रेड कैसे चालू होता है, कैसे ट्रांजेक्शन होता है। हम लोग अब अफसर को सिखाने लाए कि इधर कैसे ट्रांजेक्शन होता है, कस्टम क्लियरेंस कैसे करते हैं, हैंडलिंग कैसे करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं, वेयरहाउस फैसिलिटीज क्या क्या करते हैं, कैसे पैकेजिंग करके भेजना पड़ता है। तो ये लोग हमारा फेमस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है सिक्किम में, वो वहाँ जाके सिखाएंगे, हमारे इंटरप्रेनर्स को सिखाएंगे सब। तो उसी के लिए हम देखने आए, प्रैक्टिकली देखने से इन लोगों को पता चलेगा कि क्या हमारा सिक्किम में जाके कैसे कर, इन लोग को बोलना पड़ेगा, इंटरप्रेनर्स को बोलना पड़ेगा, एक्सपोर्टर को बोलना पड़ेगा। तो हम ये इनकरेज करना चाहते हैं, इसीलिए हम इधर देखने आया। निजीकरण के खिलाफ SUCI ने खोला मोर्चा। गांधी मूर्ति के सामने किया प्रदर्शन, दी जोरदार आंदोलन की चेतावनी। दार्जिलिंग जिला SUCI ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी SUCI नेताओं ने आरोप लगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद एक के बाद एक सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र में सौंपा जा रहा है। दार्जिलिंग जिला SUCI समर्थकों ने आज सिलीगुड़ी में
मुख्य डाकघर के सामने गांधी प्रतिमा के नीचे केंद्र और राज्य सरकार के निजीकरण का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल एसोसिएशन नेताओं ने कहा कि सरकारी संपत्ति का किसी भी तरह से निजीकरण नहीं किया जा सकता है। एसोसिएशन नेताओं ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया जाता है तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। আপনারা সকলে জানেন কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ জনবিরোধী একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, ন্যাশনাল মনিটাইজেশন স্কিম, এবং এই স্কিমের মধ্য দিয়ে তারা সরকারি সমস্ত সরকারি সম্পত্তি নিজে অথবা বেঁচে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা করেছে, এবং সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ হিসেবে তারা টয় ট্রেন, ঐতিহ্যবাহী টয় ট্রেন, যা বহু মানুষের, বহু ভারতবাসীর স্বপ্ন, রক্ত, ঘাম, অর্থ দিয়ে তৈরি সেই টয় ট্রেনকে তারা বেসরকারি হাতে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তৃণমূল সরকার বিজেপির বিরোধিতা করতে করতে তারা সরকারি কিছু বাসকে সম্প্রতি এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন সরকারি কিছু বাসকে এবং বাস রুটকে তারা প্রাইভেট হাতে বিক্রি করে দেবেন। আমরা এসোসিআই কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের রেল বেসরকারিকরণের এই নীতি এবং রাজ্য সরকারের বাস বেসরকারিকরণের যে নীতি তার তীব্র বিরোধিতা করছি, এবং তারই सिलीगुड़ी में गणेश पूजा की धूम। प्रशासक गौतम देव ने किया आश्रम पड़ा में गणेश पूजा का उद्घाटन। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 14 अंतर्गत आश्रम पड़ा गणेश पूजा कमेटी की गणेश पूजा का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक मंडली के चेयरमैन गौतम देव ने द्वीप प्रज्वलित और रिबन काटकर पूजा का उद्घाटन किया। इस बीच पूजा आयोजकों ने बताया कि समिति की ओर से इस वर्ष लगातार 8वें वर्ष गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड बैंक के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उद्बोधन करलाम पूजा ভালোভাবে হোক, समस्त रकम कोविड जे विधि निषेध प्रोटोकॉल आछे সেটা মেনে করুক যাতে সংক্রমণ বৃদ্ধি না হয়। সবাইকে অনেক অনেক আজকের এই দিনে আমরা শুভেচ্ছা জানাই। এই পুজো 2015 সালে শুরু করেছিলাম, আজকে আমরা সপ্তম বর্ষ, 7 বছর পূর্ণ হলো। এই পুজো হচ্ছে আশ্রম বা সকলের পুজো। এই পুজো আমরা আশ্রম বা সকলকে নিয়েই করি। এটা আমাদের এই রাজীব মোড়ে একটা ইউনিয়ন সমাজের সমস্ত যুব ভাইরা, আমাদের রাজীব মোড়ে ইউনিটি, এটা হচ্ছে আশ্রম বা সিসি আশ্রম বা গণশ্রী কমিটি রাজীব মোড় বলে আমাদের এই পুজো পরিচালিত হয়। এই পুজো আমাদের প্রতি বছরই হয়, প্রতি বছর বিভিন্ন অ্যাথরিটির সাথে, যেহেতু করোনা এই মহামারীর থেকে গত বছর আমরা ছোট করে করেছিলাম, তো এবারও তাই এইভাবে করছি। এইবার এই পুজো উপলক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় উনি বলেছেন যে এই মহামারীতে আমাদের প্রচুর রক্তের সংকট, সেই পুজোকে উপলক্ষ করে এই এই পুজোর মাধ্যম দিয়ে আমরা এই মহামারী সংকটে রক্তের সংকট মেটানোর জন্য আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং বিশ্বব্যাপীভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ব্লাড সুগার চিকিৎসা। विधायक सौमेन रॉय तृणमूल में शामिल होकर फलाकट्टा लौटे। तृणमूल नेताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। कालियागंज के विधायक सौमेन रॉय भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार फलाकट्टा लौटे। गुरुवार की सुबह वे फलाकट्टा स्टेशन पर उत्तर बंगाल एक्सप्रेस से उतरे। स्टेशन पर उतरते ही तृणमूल समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पार्टी नेताओं व समर्थकों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद फलाकट्टा ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने सौमेन रॉय को लेकर एक रैली निकालकर शहर की परिक्रमा की। इस अवसर पर सौमेन रॉय ने भविष्य में कालियागंज के साथ ही फलाकट्टा के सर्वाधिक विकास का आश्वासन दिया। नकली शराब और स्प्रिट के साथ एक गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी आबकारी विभाग ने गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के भक्ति नगर थाना क्षेत्र के भूपेंद्र नगर इलाके में स्थित एक घर से नकली शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर मोहम्मद ताहिर नामक एक व्यक्ति को भारी मात्रा में नकली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके घर से 269 बोतल नकली शराब व 15 लीटर कच्चा स्पिरिट जब्त किया गया। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। गतकाल सिक्रेट इन्फॉर्मेशन पाई ভক্তিনগর পিএসএ আন্ডারে ভূপেন্দ্রনগর জায়গাতে কিছু জাল মদ তৈরি হচ্ছে এবং ওখানে জমা হয়েছে। তো সেই অনুযায়ী গতকাল আজ ভোরবেলা প্রায় 5:30 নাগাদ আমরা ওই জায়গাতে রেড করি, এবং রেড করে প্রায় 160 লিটার মতো জাল দেশি মদ আমরা উদ্ধার করি।
সঙ্গে কিছু স্পিরিটও আমরা পেয়েছি। সেই সঙ্গে একজনকে আমরা অ্যারেস্টও করি এই রেডে। তার বাড়িতে কি রাখা ছিল? বাড়ির দোতলাতে মদটা রাখা ছিল, আর দোতলাতে ইটের একটা ব্যারিকেড করা ছিল, ব্যারিকেড করে তার ভেতরে এই বোতল এবং এই স্পিরিটগুলো লোকানো ছিল, আমরা খুঁজে বের করে ওখান থেকে। লেতে ছোটা সা ব্রেক, মিলতে হে ব্রেক কে বাদ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे, डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1-800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो, हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल, हैथवे, CCN या NXT डिजिटल, हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार, इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब इसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते खबरों की तरफ। नगरपालिका चुनाव शीघ्र कराने की मांग को लेकर वाम मोर्चा समर्थकों ने दिया धरना। वाम मोर्चा नेताओं ने शीघ्र नगरपालिका चुनाव कराने की मांग को लेकर गुरुवार को जलपाईगुड़ी नगरपालिका भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। वाम मोर्चा समर्थकों का धरना प्रदर्शन दिन भर चलता रहा। प्रदर्शन के दौरान वाम नेताओं ने जलपाईगुड़ी नगरपालिका में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त रहने का आरोप लगाया। धरना में शामिल CPM नेता विपुल सान्याल ने कहा कि बेहतर नागरिक सेवाओं की मांग के साथ साथ नगरपालिका चुनाव की तारीख की तत्काल घोषणा करने की मांग सरकार से की गई है। धरना प्रदर्शन में प्रदीप डे, ध्रुव बैनर्जी समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। অনেক ওয়ার্ডে গন্ডগোল আপনারা গেছেন সেখানে, আমরা এর প্রতিবাদ করছি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে একটা পুরাতন প্রাচীন শহর, একটা ঐতিহ্যমণ্ডিত জলপাইগুড়ি শহর,
যে শহরের সুনাম আছে সেই শহরের একটা পৌরসভা, পুরাতন পৌরসভা, সেই পুরাতন পৌরসভার এই কী হাল আমাদের লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। আমরা তাই পরিষ্কার বলেছি যে করোনা মহামারীর কারণে নির্বাচন, রাজ্যের পৌর নির্বাচন বন্ধ ছিল, এখন যখন ওই উপনির্বাচনগুলো হচ্ছে আমাদের রাজ্যের, আমরা তাই পৌরসভার কাছে আমাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের কাছে আমরা বলবো যে সমস্ত পৌরসভার নির্বাচনগুলো করতে হবে। কারণ পৌরসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যারাই নির্বাচিত হয়ে আসুক, একটা গণতান্ত্রিক বাতাবরণ থাকবে, সে গণতান্ত্রিক বাতাবরণের মধ্য দিয়েই পৌরসভা পরিচালিত হোক। এখন এখানে দলীয় মানে খালি সাইনবোর্ডটা নেই, জলপাইগুড়ি পৌরসভায় তৃণমূলের সাইনবোর্ডটা নেই, কিন্তু বাদ বাকি সবই হচ্ছে ওদের দলীয় নির্দেশ, দলীয় কার্যক্রম, এর মধ্য দিয়েই হচ্ছে পৌর পরিষেবার কাজটা চলছে। আমরা এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে আমরা মানুষের কাছে গিয়েছি, আমরা পথসভা করেছি, আমরা প্রচার করেছি। রাজগঞ্জ কলেজ কা 13वां স্থাপনা দিবস পালিত, কোরোনা কে মদ্দেনজর কোই বিশেষ সমারোহ কা আয়োজন নহীঁ। राजगंज कॉलेज का 13वां स्थापना दिवस आज पालित किया गया। इस साल कोरोना को देखते हुए कोई विशेष समारोह का आयोजन नहीं किया गया। इस दिन केवल प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा ध्वजारोहण और शिक्षण व्याख्यान के माध्यम से स्थापना दिवस मनाया गया। राजगंज कॉलेज की संचालन कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्य मोहन रॉय ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड स्थिति के कारण इस दिन को संक्षिप्त रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय, राजगंज पंचायत समिति अध्यक्ष पूर्णिमा रॉय, महाविद्यालय के प्राचार्य हरिप्रसाद मिश्र सहित अन्य उपस्थित रहे थे। ए बछर आमादेर प्रतिष्ठा दिवस पालित होच्छे अत्यंत संक्षिप्त आकारे कोविड पीरियडेर कारणे। 2009 साले सेप्टेम्बर मासेर 9 तारीखे एई कलेज आमादेर प्रतिष्ठित हय, आर सेदिन थेके प्रति बछर एई तारीखटा जखन आसे আমরা বিগত দিনগুলিতে আরও বড় করে অনুষ্ঠানটা করতাম, কিন্তু গত বছর থেকে এবছর পর্যন্ত আমরা এই সংক্ষিপ্ত আকারে এই প্রতিষ্ঠা দিবসটা পালন করছি। কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রী, আমাদের টিচিং স্টাফ, নন টিচিং স্টাফ এবং বিগত দিনের অর্গানাইজিং কমিটির যারা প্রতিষ্ঠা লগ্নের যারা সদস্য সদস্যা ছিলেন তাদেরকে আমন্ত্রিত করে আজকের এই প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হচ্ছে। तिरोधान दिवस पर याद किए गए मनीषी पंचानन वर्मा। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी गुरुवार को मनीषी पंचानन वर्मा का तिरोधान दिवस मनाया गया। जलपाईगुड़ी मनीषी पंचानन वर्मा मेमोरियल सोसाइटी की ओर से गुरुवार को मनीषी पंचानन वर्मा की 87वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी शहर के समाजपाड़ा में आज सुबह पंचानन वर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मनीषी पंचानन वर्मा स्मारक समिति के अध्यक्ष विजय चंद्र बर्मन, सचिव निर्मलेंदु रॉय के साथ निबंधकार उमेश शर्मा, अजित कुमार बर्मन, पूर्ण प्रभाव बर्मन, दुर्गा रॉय समेत अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे थे। मनीषी पंचानन वर्मा का तिरोधान दिवस के अवसर पर आज दोपहर को छात्र स्वस्थ गृह में मनीषी पंचानन वर्मा के जीवन और उनके आदर्शों के बारे में एक संगोष्ठी व संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। উত্তর পূর্ব ভারতের যে মুক্তি সূর্য রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার আজকে 87তম প্রয়াণ দিবস। এই প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আমরা এই সামসপাড়া মোড়ে পঞ্চানন বর্মার স্মৃতিকর ভোট করার জন্য সবাই আমরা সমবেত হয়েছি। মূল উদ্দেশ্য হল যে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা তিনি মানুষের একজন প্রাণদাতা বলে আমরা মনে করি, কারণ তিনি সমাজের প্রতি যেভাবে সর্বশ্রেণীর সমাজের প্রতি যেভাবে কাজ করেছেন, বিশেষ করে গরিব মানুষের, অবহেলিত মানুষের পক্ষে, আর রাজবংশী সমাজের তিনি তো একটা মানে পুনর্জন্ম করে দিয়েছেন, কারণ ক্ষত্রিয়ত্ব করে তিনি যেভাবে মানুষের যে সামাজিক অধিকার যেটা দরকার সেটা তিনি করে দিয়েছেন। তার আগে এই রাজবংশী সমাজ রাজতন্ত্র হিসেবে পরিচিত হতো, ফলে
আজকে আমাদের রাজবংশ সমাজের মানুষ আছে, তার প্রতি আমরা আজকে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্যই কাজ করেছেন। गरीब बच्चों के सपने को पंख दे रहा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चाय बागान के इंजीनियरिंग के छात्र को मिला 1,30,000 रुपए का लोन। राज्य सरकार की ओर से जारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए बंद पड़े मधु बागान के बीटेक का छात्र सौरव मिंज का सपना पूरा होने जा रहा है। सिलीगुड़ी के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और कालचीनी ब्लॉक के मधु बागान का रहने वाला सौरव मिंज छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। उनकी माँ चाय बगान में काम करती है। आर्थिक बदहाली में किसी तरह इस परिवार का गुजर बसर हो रहा है, पर राज्य सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सौरव का सपना सफल होने जा रहा है। गौरतलब है कि कालचीनी प्रखंड में मधु चाय बगान पिछले 7 सालों से बंद है। बंद चाय बगान में काम करने वाली ललिता मिंज का बेटा सौरव बीटेक के अंतिम वर्ष का छात्र है। सौरव मिंज ने कहा कि उन्हें अंतिम वर्ष के परीक्षा शुल्क के लिए 87,000 रुपए की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए सौरव के लिए इस साल बीटेक की परीक्षा देना अनिश्चित था। आज से लगभग 40 दिन पहले सौरव को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में पता चला और उसने 1,30,000 रुपए लोन के लिए आवेदन किया। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से उसे 1,30,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। सौरव मिंज ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बदौलत वह परीक्षा में बैठ पाया और उसका सपना सच होने वाला है। घर में 4 जन है, माँ, 2 दीदी और मैं। घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, जिसके कारण से इस बार लग रहा था कि कॉलेज में फीस पेमेंट नहीं करने से मतलब कॉलेज में एग्जाम दे नहीं पाऊंगा और मेरा लग रहा था कि कम्प्लीट नहीं कर पाऊंगा बीटेक का कोर्स। इसके बाद जब ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ द्वार सरकार से, जब मुझे पता चला तो एक आशा मन में रहा कि वहाँ पे अप्लाई करने से लोन पास हो जाएगा और मैं वहीं यही सोच के अप्लाई किया था 1,30,000 जो कि अभी पास हो चुका है। फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में दुकानदार गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर थाने की पुलिस ने लोधन इलाके से ग्वालपोखर के विधायक व राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी की मुहर वाली जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने के आरोप में शाहजहां नामक एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आधार कार्ड बनाने के लाइसेंस के बिना आरोपी अवैध रूप से 400 रुपए के अवज में आधार कार्ड बनाता था। जिला पुलिस अधीक्षक सचिन मकड़ ने एक व्हाट्सएप MMS में कहा है कि पुलिस के खुफिया विभाग की एक टीम ने विशेष सूत्रों से सूचना मिलने के बाद इलाके में दुकान पर छापा मारा। उन्होंने बताया कि दुकान से भारी मात्रा में आधार कार्ड बनाने के फॉर्म, लैपटॉप, लेमिनेटेड प्रिंटर, स्कैनर एवं 2 फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग लेंस कैमरा, 1 ID स्कैनर और कुछ आधार कार्ड बरामद किया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। 305 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुधवार रात छापेमारी कर इंग्लिश बाजार थाने के आरापुर इलाके से तस्कर को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से 305 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसका बाजार कीमत कई लाख रुपए बताया जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तस्कर का नाम अमानतुल्ला खान है। उसका घर कालियाचक थाने के बकरपुर इलाके में है। इंग्लिश बाजार पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। आज उक्त आरोपी को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। आज के लिए बस इतना है और दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए इसके लिए आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।